हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हम बनाने वाले हैं पुरानी सोडा कैन की मदद से एक गैस स्टोव। और फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि ये एक एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से भी चल सकता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको इसको बनाकर दिखाने वाला हूं और इसके अंदर ही मैं आपको एक मैगी भी बनाकर दिखाऊंगा इसी गैस स्टोव का यूज करके। तो चलते अपने स्टूडियो के अंदर और देखते हैं इसको कैसे मैंने बनाया। ये आपकी इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना डिसलाइक क्यों कर रहे हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस पे मिलती रहेगी। तो चलते फटाफट से अपने स्टूडियो के अंदर, चलो। तो हमें सबसे पहले यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन चाहिए होगी। तो यहां पर ये कैन भरी हुई है, तो इसको यहां पर सबसे पहले खाली करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये बोतल खाली हो चुकी है और एक और बोतल की हमें जरूरत पड़ेगी इस टाइप की। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन है उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके दो हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से यहाँ पर सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो और आपको यहाँ पर दिखेगा मैजिक। तो 1, 2, 3। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी एक सोडा कैन का 2 यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक टेप है, एक मार्कर ले लेता हूँ। अब हमारी पूरी कैन के नीचे की साइड में एक राउंड सर्किल बनाना होगा, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से आपको यहाँ पर काम। लगने के बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में इस टाइप से मिलाना होगा। तो यहाँ पर मिला देते हैं। इसके बाद सुपर ग्लू लूंगा और सुपर ग्लू से जहाँ पर इसके अंदर जॉइंट है वहां पर अच्छे से लगा दूंगा, ताकि यहाँ से कुछ भी लीकेज ना हो सके। तो भाई, अब यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन लेने वाला हूँ। इसके बाद ऊपर वाली जो कैन है इसके ऊपर की साइड में होल कर देंगे। इसे मिडल में होल करने के बाद हमें क्या करना होगा कि इसके बिल्कुल चारों ओर में होल करने होंगे, ताकि ये स्टोव की तरह जल सके। इसके यहाँ पर चारों ओर में ड्रिल मशीन से होल करने वाला हूँ। अगर आपके पास होल करने के लिए ड्रिल मशीन नहीं है तो आप कील का भी यूज कर सकते हो और हथौड़ी से ठोक ठोक के इसके अंदर चारों ओर होल कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप इसको चलाकर देखने वाले हैं। इसको चलाने के लिए यहाँ पर हमें एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, या तो आप डायरेक्ट प्योर एल्कोहल जो होता है उसका भी आप यूज कर सकते हो। देखो, ये है आइसोप्रोपिलीन एल्कोहल जो कि मैंने अमेजन से खरीदा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये आपको नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, तो आप इस टाइप का जो हैंड सैनिटाइजर होता है इसका भी यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो इस सैनिटाइजर के अंदर इथाइल एल्कोहल है, मतलब ये अच्छी खासी मात्रा में इसके अंदर एल्कोहल है। आप लोकल मार्केट से जो हमारा हैंड सैनिटाइजर आता है उसका अगर यूज़ करोगे तो वो नहीं चलेगा शायद तक, क्योंकि उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा कम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर एल्कोहल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और ये पूरा जेल फॉर्म के अंदर है, तो ये भी अच्छी तरीके से चल जाएगा इसके अंदर में। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, या तो एल्कोहल या फिर हमारा हैंड सैनिटाइजर जो हमारा इथाइल एल्कोहल बेस्ड जो हमारा हैंड सैनिटाइजर इसको अंदर डालेंगे। तो हम यहाँ पर एल्कोहल का तो गाइस, फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर अच्छी तरीके से चल रहा है। और अब यहाँ पर इसमें हम काफ़ी ऊपर तक इसमें फ्लेम जल रही है। हम इसमें बड़ी साइज़ की जो तपेली होती है या फिर कुछ भी होती है हमारे कढ़ाई वढ़ाई, वो भी लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको मैं चलाकर दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, थोड़ा हम कुछ बनाकर देखेंगे या फिर पानी गर्म करके देखने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, कुछ बनाकर देखने वाले। तो यहाँ पर मैंने क्या है, इसकी एक स्टैंड बनाई है। आप देख सकते हो कि लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मैंने यहाँ पर तीन स्क्रू लगा दिए इस टाइप से, और इसके बीच में हमारा यहाँ पर ये गैस स्टोव जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक मग है, जो कि आपने देखा होगा बेयर ग्रिल्स जो होता है उसके पास अधिकतर रहता है, ये जंगल में जाता है कुछ बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर इस टाइप से हम रखेंगे। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा बहुत, और मैं लेके आया हूँ यहाँ पर मैगी। इसके अंदर मैगी डालेंगे और बनाएंगे कि क्या मैगी बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। तो अब यहाँ पर ये क्या आपने स्टार्टिंग में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जल रहा था। इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक कॉइन लेना होगा, एक रुपये का सिक्का या फिर कोई भी चीज़ ले सकते हो इस टाइप की, और इसके अंदर यहाँ पर डाल देंगे हम, ठीक है। जिससे क्या है कि बीच में से नहीं जलेगा और साइडों से ही जलेगा, जिससे इसकी जो ऊपर की लपट है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा ये चलना स्टार्ट हो चुका है, और अब यहाँ पर इसको देखेंगे थोड़ी देर में कि कितने टाइम में हमारा गर्म करता है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में मैंने जो कॉइन रखा है, इसके कारण जो है यहाँ पर लपटे ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ रही और नीचे तक इसके यहाँ पर जल रही है। जब हमने इसके बीच में कॉइन नहीं रखा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बीच में बड़ा होल है वहाँ पर भी आग लग रही थी और पूरा का पूरा फ्लेम टाइप में जलने लगा था, जिसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक फ्लेम जा रही थी। अभी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पा रही है क्योंकि बीच में जो बड़ा होल है वहाँ पर हमने कॉइन रख रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस फाइनली हमारी मैगी यहाँ पर पूरी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ये किस टाइप से बनी है। मुझे वैसे मैगी बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब यहाँ पर इसको हम एक कटोरी के अंदर डालेंगे और देखेंगे क्या हुआ इसका। तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अंदर से जो स्मोक निकल रही है, भाप निकल रही है, आप देख सकते हो कि यार ये जो है रियली में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है इसके अंदर, और यहाँ पर हाथ लगाने पर ये गर्म लग रही है। तो अब यहाँ पर इसको खा कर देखते कैसा ये बना है। तो इसको नॉर्मल तो हम खाएंगे नहीं क्योंकि हम यार नॉर्मल इंसान तो है नहीं। तो यहाँ पर इसको खाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिमटी, जो कि हम बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कामों में, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पर। तो यार भाई अभी यार देखा हमने इसमें मैगी भी बनाई, और मैगी भी काफ़ी अच्छी तरीके से बन गई थी। यहाँ पर आप सभी को मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया कि अच्छे से काम भी करता है। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर बनाना, कभी आपकी इमरजेंसी में काम हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।